बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर इन फाइन फेदर। मे द अलमाइटी कीप अस ऑल इन हिज बेनेवोलेंस एंड प्रोटेक्शन एंड सेव अस ऑल एंड आवर कंट्री पाकिस्तान फ्रॉम सडन कैलेमिटीज एंड पिटफॉल्स। आमीन। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही यमी एंड टेस्टी अरेबियन डिज़र्ट बनाने जा रही हूँ, महलेबिया। ये ना सिर्फ खाने में मज़े की है बल्कि देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल और मैग्नोलियस लगती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक लीटर फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है, ओल्पर्स का, आप घर का भैंस वाला भी ले सकते हैं लेकिन ये थिक होना चाहिए। इसमें एक कप चीनी ऐड कीजिए, हाफ कप कॉर्नफ्लोर लीजिए और हाफ कप क्रीम ऐड कीजिए। क्रीम भी मैंने ये ओल्पर्स की ली है, आप चाहें तो दूध की बलाई भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पर। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर गया है तो इसकी लम्स बन सकती हैं, इस वजह से आपने फ्लेम ऑन करने से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये फुली डिसॉल्व हो जाए मिल्क में तब आपने फ्लेम ऑन करना है और आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, तब भी लम्स बन सकती हैं और इसके लिए पेरेनियल स्टरिंग की ज़रूरत है, आपने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। इट लुक्स अ रिगमारोल बट बिलीव मी कि ये बिल्कुल भी रिगमारोल नहीं है, ये बनाना बहुत ही ईजी और सिंपल है। ये डिज़र्ट बहुत जल्दी से बन जाता है, बस आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाना है कि ये नीचे से बर्न ना हो जाए और आपने लो फ्लेम पर पकाना है और स्टर करते रहना है, दैट्स इट। जब ये थोड़ा सा ठीक होने लगे तो आपने रोज़ वाटर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। ये रोज़ वाटर रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा और थिक करना है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं और जब वो थिक हो जाता है तो आप उसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब आपको लगे कि ये थिक हो गया है तो आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको आप ग्लासेस में ऐसे पोर कर दीजिए, आप बॉल में भी पोर कर सकते हैं, द चॉइस इज़ टोटली योर्स। अब इन ग्लासेस को टैप कर दीजिए ताकि इनके अंदर से जो एक्स्ट्रा एयर है वो एक्सर्ट हो जाए और इनको 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तब तक जब तक कि ये जम ना जाएं। और इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट काम कीजिए कि जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस रेसिपी को लर्न कर सकें। अब आ जाते हैं इसकी टॉपिंग की तरफ। 1 कप से थोड़ी कम शुगर लीजिए और उतना ही पानी लीजिए। इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर आप ऐड कर दीजिए और 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड कर दीजिए। इन सबको पहले की तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि इसमें भी कॉर्नफ्लोर गया है और इसके लम्स बन सकते हैं, इसलिए फ्लेम ऑन करने से पहले अच्छे से इस मटेरियल को आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट में इसको हाई फ्लेम पर कुक कीजिए, जब इसमें बबल्स आने लगें तो फिर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। नाउ यू कैन सी के इट हैज़ स्टार्टेड टू सिमर, ये सिमर होना शुरू हो गया है, इसमें बबल्स आने लग गए हैं। अब मैं फ्लेम को लो कर रही हूँ। जब आपको लगे कि ये थोड़ा थिक होने लगा है तो फिर आप इसमें भी 1/4 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर दीजिए, अर्के गुलाब, ये मस्ट है। इसके अलावा एक और मेन इंग्रेडिएंट है रेसिपी का, वो मैं आपको एंड पर बताती हूँ। और जब इसकी कंसिस्टेंसी शहद जैसी हो जाए बिल्कुल, तब आपने इसका फ्लेम ऑफ करना है और इसको भी आपने ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए रख देना है। अब जो कंसिस्टेंसी मुझे रिक्वायर्ड थी वो आ गई है, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए 1-2 मिनट के लिए रख रही हूँ, फ्रिज में नहीं रखना इसको। इसके बाद इन ग्लासेस को निकालिए और इनके ऊपर ऐसे इसको पोर कर दीजिए। इसके बाद इसको फ्रिज में कम से कम 4 घंटे ज़रूर रखिए ताकि इसकी जो टॉपिंग है ये जम जाए, सेट हो जाए और ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब ये अच्छे से जम चुका है और इसको मैंने निकाल लिया है। अब जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है पिस्टेशियो नट्स। पिस्टेशियो यानी कि पिस्ता महलेबिया की जान है, इस डिज़र्ट की यही स्पेशलिटी है, यही नट्स इसमें डलते हैं। हाँ, अगर आप वैरायटी देना चाहते हैं तो आप और नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट रेसिपी में यही नट्स हैं। ये डिज़र्ट बनाने के बाद जब मैंने टेस्ट किया तो इसकी टॉपिंग में शुगर थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए आप शुगर 1/2 कप डाल लीजिए। और ये बहुत ही मज़े का अरेबियन डिज़र्ट है, ये आप ईद पर बना सकते हैं, यू विल लव इट। फॉर मोर ईद रेसिपीज, डिज़र्ट्स रेसिपीज, स्नैक्स रेसिपीज, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज, स्टे कनेक्टेड टू रोज़मेरी राबिया खुर्रम एंड सेवर कॉपियस रेसिपीज। अल्लाह हाफिज़।